खबर ग्वालियर से है, जहां भूख का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। जी हां, ऐसा ही एक मामला 18 अक्टूबर को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट पर घटा है, जहां चार युवक खाना खाने पहुंचे, लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने का समय होने पर संचालक और अन्य स्टाफ ने खाना देने से मना कर दिया। तो चारों युवकों ने न सिर्फ रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की, बल्कि गले में रखे रुपए और डीवीआर लूट लिया। पुलिस ने चारों युवकों को पकड़कर पूछताछ की तो इसका खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामला 18 अक्टूबर को संजय राजावत निवासी भिंड, अरुण परिहार निवासी धौलपुर और आकाश शुक्ला निवासी मुरार अपने एक अन्य साथी के साथ विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के टेस्ट ऑफ पंजाब रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां मौजूद स्टाफ से खाना खिलाने को कहा। जब स्टाफ ने रेस्टोरेंट बंद होने की बात कही तो उनके बीच विवाद होने लगा। इसी बीच रेस्टोरेंट के संचालक भी वहां आ गए और विवाद बढ़ गया, तो संजय और उसके साथियों ने होटल स्टाफ की मारपीट कर वहां पर लगा डीवीआर और गले से नकदी छीन ले गए। मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत पर लूट का मामला दर्ज कर लिया था और एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया और शेष बचे तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। लगभग 15 दिवस पूर्व एक घटना हुई थी टेस्ट ऑफ पंजाब होटल पर, जहाँ पर कि लूट का मुकदमा कायम किया गया था और जहाँ पर गल्ले की थ्योरी, जिसमें लगभग गल्ला लेकर चले गए थे 7-8 हज़ार रुपये, तो वहाँ मारपीट हुई थी। सीसीटीवी में घटना कैद हुई थी, जिसमें 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था। उसमें एक आरोपी उस समय गिरफ्तार हो गया था और लगातार तलाश जारी थी। इसमें तीन आरोपियों को कल थाना यूनिवर्सिटी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और अभी एक आरोपी और फरार है। कुल मिलाकर इसमें लूट में जो मसरूका है वो उनका रिमांड लिया जाकर मसरूका जब्त किया।